सीकर जिला प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम उठाया गया है। नवाचार करते हुए सक्षम कन्या शक्ति अभ्युदय मिशन कार्यक्रम का आगाज किया गया। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, नोडल अधिकारी प्रशिक्षु आईएएस गुंजन सिंह, सीईओ सुरेश कुमार यादव के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम के आमुखीकरण व प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस मौके पर सक्षम कार्यक्रम के पोस्टर, संपूर्ण साक्षर मातृशक्ति अभियान पुस्तिका और स्वास्थ्य विभाग के पीसीपी एनडीटी अधिनियम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि बालिकाओं व महिलाओं को समाज में समान अवसर प्राप्त हो, जिससे कि समाज में वे अपने भविष्य का निर्माण कर सके। उन्होंने बताया कि सक्षम मिशन से संबंधित विभाग बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून व योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक भी पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें समाज के लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने कन्याओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, राजीविका व महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को उन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सक्षम पोस्टर के विमोचन का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना तथा महिलाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा कानूनों की जानकारी देना है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए समाज के लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास यही रहता है कि समाज में किसी भी प्रकार के महिला अपराध, उत्पीड़न के मामलों में पूर्ण अंकुश लगे और बालिकाओं व महिलाओं को समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं और बालिकाओं को समाज में पुरुषों के समान ही आजादी मिले। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी गुंजन सिंह ने मिशन के संबंध में सशक्त महिला, नशा मुक्त समाज, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा संबंधी कानूनों, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी, महिला अधिकारिता विकास की सहायक निदेशक अनुराधा सक्सेना, जिला रसद अधिकारी राजपाल यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश राहड़, प्रशासनिक सुधार विभाग के सहायक निदेशक राकेश कुमार लाटा, जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र पिलानिया सहित अधिकारी, कर्मचारी व मीडियाकर्मी मौजूद रहे। आज हमने एक जिला स्तरीय अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीकर कन्या शक्ति अभ्युदय मिशन, और शॉर्ट में सक्षम उसको हम कह रहे हैं। इसके तीन आयाम हैं, जो कन्याएं हैं जिले की, उनको स्वस्थ रखना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना और उनको सुरक्षित रखना। इससे संबंधित जितने भी सरकारी विभाग हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा और राजीविका और महिला अधिकारिता, ये इनका सबका अपना अपना इसमें रोल रहेगा। सबकी अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा, महिलाओं के लिए कई तरह के जो है फ्लैगशिप स्कीम्स चलाई गई हैं, लेकिन हमारा काम है उनको सही पात्र तक पहुंचाना। और समाज में जो हम एक कन्याओं के लिए जो एक ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनको और बेहतर अवसर मिलें, वो अपने जीवन को और अधिक संवार पाएँ, उस उद्देश्य को साथ में लेते हुए इन सभी कल्याणकारी योजनाओं तक भी उनको पहुँचाना, और समाज में भी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनको सामाजिक ढांचे के कारण आती हैं, उनको भी दूर करना जो है धीरे धीरे। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये एक ऐसा अभियान है जो कि लगातार चलने वाला है, जिसमें कि कई तरह की गतिविधियां होंगी। अभी सबसे पहले आज जो हमने कई तरह के पब्लिसिटी मटेरियल लॉन्च किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए कई तरह की सूचना है। इसके अलावा सीकर पुलिस के द्वारा हर सैटरडे को शैक्षणिक संस्थानों में जाके सशक्त महिला और नशा मुक्ति को लेकर कई तरह की बातचीत की जा रही है लड़के लड़कियों से, और 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, जो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें कई तरह की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें कि बच्चियों को सुरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और उनको संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित कर सकें। इस पूरे अभियान की जो नोडल ऑफिसर हैं, वो हमारी आईएएस प्रोफेशनल गुंजन जी हैं। इन्होंने इस अभियान से संबंधित सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। कैंपेन का जो पूरी रूपरेखा है, लोगो है, नाम है और विभिन्न प्रकार के जो इसके आयाम हैं, उनके ऊपर इन्होंने पूरा एक बहुत मेहनत करके इसको डिज़ाइन किया है, और इसी डिज़ाइन के अनुसार हम आगे इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, और सीकर की जो कन्याएँ हैं, सीकर की जो बेटियाँ हैं, उनको आगे से आगे उनके जीवन में उनको आगे से आगे सफलता मिले, वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें, इसका प्रयास करेंगे।
75वें आजादी अमृत महोत्सव पर शहीदों को सीकर श्री मदन लाल बियाणी बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती वंदना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहीदों को पुष्पांजलि तिलकार्चन कर याद किया गया। आगंतुक अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य राकेश कुमार पारिक ने करवाया। आज के इस महोत्सव के मुख्य वक्ता भागवत मर्मज्ञ अग्र भागवत आचार्य श्री नर्मदा शंकर गुरु ने अपने उद्बोधन में भैया बहनों को देश के लिए समर्पित होकर सेवा करने का संकल्प दिलवाया और अपनी मातृभूमि की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अपने कर्तव्य पथ पर चलकर इन वीर शहीदों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, इसलिए आज इनका मंगलाचरण किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सक्षम के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने आचार्य को साफा पहनाकर व विद्यालय के अध्यक्ष राधा किशन चौबदार व कोषा अध्यक्ष सुख सागर शर्मा ने प्रतीक चिन्ह देकर आचार्य को सम्मानित किया। देशभक्ति से उत्प्रेरित राधा किशन चौबदार ने इन वीर शहीदों के लिए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन माता दिन मिश्रा ने किया। आगंतुक अतिथियों का आभार सुख सागर शर्मा ने किया। इस अवसर पर नवल किशोर शर्मा, विष्णु उपाध्याय, राजेंद्र जांगिड़, विजय शर्मा, सुमन शर्मा, आचर शर्मा आदि जन मौजूद रहे। जय भारत। आज मैं हूँ सीकर में मदनलाल बियाणी बालिका विद्या मंदिर में और यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश भर में हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के महासंग्राम में अपने आप को समर्पित किया है, अपने जीवन को उन्होंने लगाया है, उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। और मेरा मानना ये है कि जिन्होंने जो जीवन में अच्छे काम करते हैं उन्हीं का मंगलाचरण किया जाता है, उन्हीं का पुष्पार्चन किया जाता है। तो ऐसे महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, संग्राम के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। उनका हम लोग समय समय पर उनका स्मरण करें, उनके चरणों में वंदन करें और हम सब मिलकर के ये प्रतिज्ञा करें कि जो भारत भूमि है, जो स्वर्ग से भी महान है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हों। सनातन संस्कृति, मान मर्यादा, रीति रिवाज, उन सब के हम लोग रक्षक बने और समय समय पर हम ऐसे महापुरुषों को याद करते रहें। ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम सौभाग्य है। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश जी पारिक जी को, प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष जी को और विद्यालय के समस्त गुरुजनों को, दीदियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं वो देश सेवा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए प्राण प्रण से लगे रहें और सुंदर कार्य हमारे जीवन से हो ऐसा संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। परिचय, आपका परिचय। हमें आचार्य नर्मदा शंकर और गुरुजी के नाम से जानते हैं। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और शिक्षाविद के नाते सब जगह पहचान है और पूरे देश भर में मैं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, अग्र भागवत कथा, नानी भाई का मायरा इत्यादि मेरी सेवाएं रहती है और मैं पूरे भारत देश में भ्रमण करता हूं। आप सब सीकर जिले के पलसाना कस्बे में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने स्कूली बच्चों को ला रही सवारी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में लड़ाना निवासी दो बच्चे जतिन व सत्यम की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह बच्चे घायल हो गए, जिन्हें पलसाना के सामुदायिक अस्पताल ले जाने पर दो बच्चों को सीकर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने पीछे से आ रही एक लोक परिवहन बस के शीशे तोड़ दिए।
जानकारी के अनुसार सवारी गाड़ी पलसाना के आर्यन स्कूल के लढ़ाना व किशनपुरा क्षेत्र के करीब 15 बच्चों को लेकर पलसाना की तरफ जा रही थी। इसी दौरान रिको मोड़ पर सीकर से जयपुर की तरफ तेज रफ्तार में जा रही लोक परिवहन बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में सवारी गाड़ी पलटते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें लढ़ाना के जतिन व सत्यम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कोमल, यशवंत, सिद्धार्थ, पूजा, धायल, शुभम व नितेश घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी लोगों की मदद से पलसाना अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी पर मौके अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने लोक परिवहन बस चालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने पीछे से आ रही एक लोक परिवहन बस के शीशे भी तोड़ दिए, जबकि कई गाड़ियों को रुकवाकर उनकी सवारी उतरवा दी। सूचना पर एसपी रामचंद्र मूंड व रानोली थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। लोगों को समझाने की कोशिश की गई। लोक परिवहन बस संचालन बंद करने की मांग। आक्रोशित लोगों ने पलसाना में लोक परिवहन बस संचालन बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक परिवहन बस तेज रफ्तार में गांव से गुजरती है, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोक परिवहन बसों का संचालन बंद किया जाए। चुरू जिले के नई सड़क स्थित एक दुकान के 40 साल के कब्जे से संबंधित विवाद का समाधान कौम काजियान के सदर संजय भाटी व कांग्रेस नेता नारायण बालन के अथक प्रयासों से किया गया। यह दुकान पिछले 40 वर्षों से मकसूद खान बबलू तवर के पास थी। नारायण बलान व संजय भाटी की समझाइश से बबलू तवर ने दुकान की चाबी बिना किसी शर्त और बिना किसी नकद भुगतान के दुकान के मालिक यूनुस व उनकी पत्नी शमी बनो को कौम काजियान के प्रबुद्धजनों के सामने चाबी सौंप दी। कौम काजियान के सदर संजय भाटी ने बताया कि आज के इस युग में कोई भी कब्जाधारी बिना रुपए या बिना किसी शर्त के दुकान नहीं छोड़ता है। आज के इस युग में बबलू तवर जैसे इंसान कब मिलते हैं। बबलू तवर की इस पहल से अन्य कब्जाधारियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में नोमान सैयद, इस्माइल भाटी, जाकिर झारियावाल, मोहम्मद मोहसिन, अनीश खान, मुबारक भाटी, आबिद सैयद, आसिफ सैयद, गुलाम नबी खोकर, मकसूद अली भीचर, मुराद अली खोकर, सलीम उस्मानाबाद, जावेद खान, वसीम फिरोज, आबिद खान मोयल, अनीश खान, इरफान, आबिद मोयल, जावेद खान, नदीम भाटी, असगर भाटी, अल्ताफ अगवान, यूनुस अगवान, सन्नी सैयद, रशीद भाटी, इमरान भाटी आदि जन मौजूद रहे। खान का मसला था और लंबे समय से चल रहा था विवाद, करीब 30 साल हो गए थे, लेकिन अब जो ये बात है, ये हमारे सरदार अंजुमन इस्लाम काजियान के सदर संजय भाटी जी के और नारायण जी बालन के, इनके बीच में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है चाबी दे देंगे, लेकिन चाबी जो है वो कौम की मौजूदगी में, सब बुजुर्गों को बुलाया जाए, मौजूद आदमियों को बुलाया जाए, और आज जो है शहर भाई को जो है चाबी छुपट गए। आपका नाम? मास्टर मकसूद अली भी। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वितीय दिवस के दौरान 3 व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी ने राइटिंग स्किल एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में वनस्पति विज्ञान के डॉ. आशीष कुमार शर्मा ने भारतवर्ष में विभिन्न एजेंसियों एवं राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। व्याख्यान माला के तृतीय सत्र में डॉ. जेबी खान ने पुस्तक लेखन, शोध पत्र लेखन एवं पुस्तकों के संपादन से संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य श्री महावीर सिंह ने की। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. केसी सोनी ने कल होने वाले समापन सत्र एवं आयोजन के पहलू तथा इसके महत्व पर चर्चा की। सभी व्याख्यान मालाओं के अंत में खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अंत में डॉ. राजकुमार लाटा ने सभी विद्यार्थियों, प्रतिभागियों और अतिथियों का धन्यवाद किया। कल समापन सत्र के दौरान वीडियो क्लिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही महाविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी एवं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में डॉ. सीएल वर्मा, डॉ. केशव देव, डॉ. विनीत ढाका, डॉ. मधु चौधरी, डॉ. बीके अग्रवाल सहित विज्ञान के अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रोफेसर केसी सोनी सह आचार्य ने किया। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वितीय दिवस के प्रोग्राम के दौरान आज व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 व्याख्यान माले, सारगर्भित व्याख्यान माले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। जिसमें पहली व्याख्यान माला हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र जी सोनी राइटिंग स्किल्स पे अपना व्याख्यान डिलीवर कर रहे हैं। द्वितीय व्याख्यान बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशीष जी शर्मा, वो स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम पे अपना व्याख्यान देंगे।
क्योंकि जो साइंस के और एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको उनके बाद में कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, वो जितनी भी तमाम जो स्कीम है इंडिया में और इंडिया के बाहर उन पर अपना उद्बोधन देंगे। और तीसरा व्याख्यान बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जे बी खान साहब, वो शोध पत्र कैसे लिखें, टेक्स्ट बुक कैसे लिखें, रेफरेंस बुक कैसे लिखें, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। तो तीन व्याख्यान मालों की ये आज श्रृंखला हमने आयोजित की है द्वितीय दिवस के दौरान। माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर एंजियोलॉजी, लोहिया कॉलेज चूरू। झुंझुनू जिला के अजाड़ी कला निवासी 23 साल का रणवीर मेघवाल देर रात बास नानक स्कूल के पास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने रणवीर मेघवाल को मृत घोषित कर दिया। उसके सिर में गहरी चोट थी और काफी खून बह गया था। परिजनों ने बताया कि मौके पर भी काफी खून पड़ा हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मृतक मजदूरी का काम करता था। बड़े भाई प्यारेलाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे उसका भाई रणवीर को साथ लेकर गए। रणवीर मजदूरी करता है। हुकुमपुरा की पहाड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली भरी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बास नानक मुकेश दर्जी के घर पर पत्थरों की ट्रॉली खाली की। भाई ने आरोप लगाया कि अनिल कुमार मेघवाल, रवि राम अवतार तथा अनिल जाट चारों ने उसके भाई रणवीर को साथ लेकर गए थे। पत्थरों की ट्रॉली भरने से लेकर खाली करने तक वे सभी साथ थे। इसके बाद इनमें क्या विवाद हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई। तलाश करते हुए बास नानक और अजाड़ी के रास्ते में पहुंचे तो उसका भाई बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगाया गया है कि उसके भाई का मर्डर कर दिया गया। डीएसपी सिटी शंकर लाल छापा ने बताया कि सदर थाने में मर्डर का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप कर लिया लेकिन उनका खुलासा नहीं किया है। घटना कल 1 बजे का लगभग, मेरा छोटो भाई है रणवीर बिन लेके गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली उकुमपुरा पहाड़ियों पत्थर की भरी है। 4 आदमी ही, एक को नाम अनिल है, एक को नाम दूसरे को भी नाम अनिल है, एक अनिल जाट है और एक अनिल है और एक रवि और एक रामुतार, ये 4 जना इन ले गए हैं और ले जाके पत्थर की ट्रॉली भरी है। भरकी भी के बाद में ये बास नानक में मुकेश दर्जी के घरा घेरी है और भी के बाद में बिन मारा कुट्टी करी है, ट्रैक्टर के तले दियो है, के करी है बिन लावारिस आलात कहवा और रोड को ऊपर है ना आबास नानक और अजाड़ी कला रोड को रोड लगा है बी को ऊपर घेर की और चल गा। अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हो? अब कार्रवाई यह करें कि मैं बाद में प्रशासन ने सूचना दी, प्रशासन पूछ की मान साहब 3 ने तो बैठे गिरफ्तार कर लिया, 2 आदमी अब भी फरार ही, तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि बंद भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर जा। अजाड़ी कला गाँव के प्यारेलाल पुत्र शिवकरण जाति मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई की उनके गांव के ही 4-5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया सदर थाने पर और अन्वेषण शुरू किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, बॉडी मोर्चरी में है झुंझुनू बीडीके में, अग्रिम अन्वेषण शुरू कर दिया। घर वाले कह रहे हैं कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो जाए।